अस्सलामुअलैकुम, आप न्यूज़ की टेस्ट ट्रांसमिशन में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद, शामिल करेंगे आपकी हेडलाइन। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अपने सिक्योरिटी गार्ड की हिमायत में बोल पड़े, कहा कैमरामैन ने पहले सिक्योरिटी गार्ड के सर पर कैमरा मारा, तशद्दुद करने वाले गार्ड के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में गैर कानूनी दाखिल होने वाला भारतीय शहरी हामिद निहाल सजा मुकम्मल होने पर रिहा, आज बांगा बॉर्डर से भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जाली सफरी दस्तावेज रखने वाला हामिद निहाल रियासत के खिलाफ मनफी सरगर्मियों में मुलव्विस था। अमन को मौका देने के लिए अमरीका और तालिबान के दरमियान होने वाले मुजाकिरात अबूजाबी में खत्म, वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान ने दोनों को मेज पर लाने के लिए अपना किरदार अदा किया, अब दुआ करें कि बहादुर अफगान अवाम की 3 दहाइयों से जारी आजमाइश खत्म हो, कयाम अमन के लिए पाकिस्तान से जो भी बन पड़ा करेंगे। कोयटा में न्यूरो सर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील का 5 रोज बाद भी कुछ पता न चला, एग्वाक के खिलाफ डॉक्टर्स का एहतजाज, ओपीडीज का बायकॉट, हड़ताल के बाइस दूर दराज से आने वाले मरीज सर्दी में खार। प्लीज अब्बा जी, अब मुझे शादी करने की कोई ख्वाहिश नहीं है। ओहो भाई, अब ख्वाहिश नहीं है ना, आज नहीं है तो कल ख्वाहिश हो जाएगी, फिर क्या होगा, फिर पता क्या होना है, मेरी उम्र की फिर खातून मिलेगी तुम्हें शादी के लिए, और फिर तुम दोनों में गुफ्तगू का मौजू पता क्या होगा, जोड़ों का दर्द, और फिर तुम या पौधों को पानी दोगे या अखबार पढ़ोगे। फन का एक और बाब बंद, मारूफ अदाकार अली एजाज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए, उम्र 77 बरस थी। अली एजाज के मशहूर ड्रामों में खाजा एंड सन्स, खोजी और गुमशुदा शामिल हैं। उन्होंने 28 फिल्मों में भी फन के जौहर दिखाए। नरवाल स्टेशन के खुले फाटक पर ट्रेन की स्कूल वैन को टक्कर, 7 बच्चे जख्मी हो गए, एक बच्चा हालत तश्वीशनाक होने के बाद इलाज के लिए लाहौर मुंतकिल, डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हादसा रेलवे फाटक न होने और शदीद धुंध के बाइस पेश आया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर मातम, पुलवामा में 14 शहादतों पर सोग, 3रे रोज भी हड़ताल, काबिज फौज ने एहतजाज रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया, हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक और मीर वाइज उमर फारूक जेरे हिरासत। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थ्रेज़ा मे के खिलाफ एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद पेश, अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन कहते हैं थ्रेज़ा मे ने मुल्क को बदतरीन बहरान से दो चार कर दिया, जनवरी में ब्रेग्जिट पर राय शुमारी मुस्तरद करते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए आप न्यूज।